तो हाँ भाई, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं रेसिडेंट ईविल विलेज का गेम प्ले। और जैसा आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने शैतानी गुड़िया और उनकी मालकिन यानी कि हाउस बेनेवेंटो को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और जैसा आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो, मुझे ये शॉटगन भी मिल गई है। आप लोग ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैंने ये शॉटगन छोड़ दी है हाउस बेनेवेंटो के पास, तो ये मैंने ले लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं हाउस मरू की तरफ क्योंकि रोज का एक और पार्ट कलेक्ट करने का है। तो चलो भाई आगे। वो आगे जाने से पहले ये क्या गया, शुरू करते के साथ क्या है? भेड़िया है ये, क्या है? अरे भाई ये कैसा जीव है? अरे जानवर छोड़ दे भाई, इसको मैं क्या दिख रहा हूँ यार, इसको कैसे मारूं भाई? इतनी बड़ी तो कोई गन भी नहीं है मेरे पास। ये चलो खुला दरवाजा दिख गया, चलो अच्छा ये अंदर नहीं घुस रहा यार। ले तू गोली खा, भाग गया। प्लीज कुछ हेवी बुलेट्स दो यार। अच्छा हर बॉस के बाद कोई नीचे भाई साहब पड़े हुए, लेकिन उनको अभी देखने का टाइम नहीं है, अभी नहीं। सन्नाटा हो गया, स्नाइपर निकाल लेता हूँ यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर दूर चला गया तो स्नाइपर काम आएगी। यार इसको कैसे मारा जाए यार, इसको छेड़ा जाए क्या? एक हेडशॉट में तो जाने वाला है नहीं। हाँ इसको गुस्सा आ गया, मरा तो नहीं लेकिन गुस्सा आ चुका है और ये फिर से रिलोड होने लगा। अरे बा कैसा, भागो 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 भागो, निकल ले निकल ले, पंजा मार के गंजा कर देगा यार ये। अच्छा ये इसको बेवकूफ बना सकते हैं, एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। इसको मारो और मैं घर के अंदर छुप के अपनी हेल्थ भी बचा सकता हूँ और इसको दो तीन गोली मार भी सकता हूँ, ये सही आइडिया है। उछल उछल के कहाँ जाएगा, अंदर नहीं ना आता है? अरे वाह मस्त आइडिया, मस्त प्लान है भाई, मस्त प्लान है मारने के लिए। इसको छिड़ छिड़ के मैं यहाँ तक लेके आता हूँ। अच्छा माइंस रख दूँ क्या, माइंस है मेरे पास। अरे ये तो आ गया यार, मैं अपने आप को ज़्यादा शाना समझ रहा था, ये तो दौड़ने लगा यार यहीं पे। रुको एक काम करते हैं, माइंस रख ही देते हैं, या पाइप बॉम्ब होता ना यार ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल माइंस यहाँ बिछा देते हैं। ये यहाँ पे आएगा, दिक्कत ये दरवाजे के पास तो आता ही है यार ये। रुक जाओ मेरे ऊपर नहीं फट जाए, इसलिए ना इस डायरेक्शन से आएगा तो मुझे लगता है यहाँ तो आना ही चाहिए यार, इतना मुझे कंफर्म लग रहा है यहाँ आएगा। इसको पहले छेड़ के बुलाया जाए। आ जाओ ओए नालायक, माइंस निकालो, लगा और भाग रहे भाग। हाँ चलो भाग गया मैं, चढ़ते हुए आना। अरे इतना बड़ा जानवर चढ़ा नहीं आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी भी है, हम लोग उड़ा सकते हैं माइंस को। मरा यार ये, अभी भी नहीं मरा, ये क्या है यार ये, मरना। मर गया मर गया मर गया, फाइनली मनहूस कहीं का भाई। इसका क्रिस्टल स्कल मैं जा रहा हूँ बेचने के लिए, यानी स्वागत ऐसे किया इन लोगों ने मेरा, तो जो मरु को हम लोग इतना आसान समझ रहे वो आसान नहीं निकलेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ ड्यूक के पास भाई, भर भर के बारूद खरीदता हूँ, यानी कि बुलेट्स और पाइप बॉम्ब सब खरीदना है। चलो सब कुछ खरीद लिया भाई मैंने, फुल्ली तरह लोडेड हूँ मैं, अब वाट लगाएंगे भाई। हर बॉस के बाद एक गन अच्छी सी गन मिलती है, ठीक है? तो ये गन मुझे मिली थी वहाँ हाउस बेनेवेंटो में, और स्नाइपर मिला था लेडी दिमित्रीस के टाइम पर। अब देखते हैं ये भाई साहब कौन मरे हुए थे यार, पहले और कुछ है यहाँ पे, ऊपर जाने का है नहीं। ये भाई साहब कौन है और कुछ, अच्छा लेटर भी है। अच्छा वुल्फ अब तो मार दिया उसके, आई एम सॉरी अरे ल्यूजा का हस्बैंड है यार ये, वो जो स्टार्टिंग में एक लेडी नहीं मिली थी उसका हस्बैंड था ये। चलो सही है, वापस हम लोग घूम फिर के उसी मनहूस विलेज में आ गए हैं। दरवाजा आयरन इनसाइटेड की से खुलना चाहिए, खुल जा सिम सिम, कुछ मस्त चीज। अरे वाह नई गन, ओ भाई साहब, ओ बस यही तो चाहिए था यार। चलो दो बॉम्ब्स टाइप में मुझे लग रहे हैं, लेकिन इसको यूज किया जाएगा अभी नहीं, अभी नहीं, इसको अच्छे जगह पे यूज करेंगे भाई, जहां लगे है कि मरने के ज्यादा चांसेस है। यार ये केमिकल्स, ये जेली, ये क्या है और ये क्यों है एक्चुअली? और भाई जब तक ईथन अपनी बेटी को खोज रहा है, तब तक आप लोगों का भाई वीडियो को लाइक कर लो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। लो इसके अंदर आदमी लोग हैं यार, लास्ट टाइम भी इसके अंदर थे ये आदमी लोग, नहीं यार ये जानवर लोग हैं। ए इधर देख इधर देख, गोली अपनी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं। बूम खत्म ना, हाँ खत्म। ऊपर से और आवाज आ रही है, सीढ़ी के पास है और भेड़िया तो नहीं है ना, एक भेड़िया को खेल लिया काफी था, बहुत गोली बर्बाद करवाता है यार भेड़िया। खत्म,
और एक शील्ड वाला आदमी जो एक बार आया था, याद है, दो एपिसोड पहले, उसके मुंह पे शील्ड लगा हुआ था, उसके पास भी यार बहुत सारी बुलेट्स और बॉम्ब्स और पता नहीं क्या क्या बर्बाद हुए थे। उसके बाद ये भेड़िया पे ज़्यादा बर्बाद हुआ है। तो इस टाइप के आदमी लोग नहीं आने चाहिए यार, गोली लिमिटेड है मेरे पास। यार ये जेली क्या है, मरु ने क्या हाल बना के, ये तो आगे रास्ता बंद है। यहाँ कुछ कर सकते हैं, जेली को फाड़ने का ऑप्शन नहीं आता है। ओ यहाँ पे कुछ बता रहा है, स्लाइमी सब्सटेंस, अच्छा इसको काटा जा, हाँ वही तो मैं बोल रहा था यार, जेली को तो आदमी काटी सा, ओ पूरा रास्ता खुल गया, वाह यार। ठीक है, गोली भी बर्बाद नहीं हुई। यहाँ बंद है, सामने रास्ता दिख रहा है, दरवाजा है, सीढ़ी भी है बगल में, लेकिन दरवाजा बंद होगा। हाँ मुझे लग ही रहा था, और कोई गन से मैं जेली नहीं उड़ा सकते थे यार, मतलब गलती से भी यही गन निकली, शॉटगन की गोली बर्बाद कर दी यार, चक्कू से उड़ा सकता था जेली को मैं। दो रास्ते दिख रहे हैं मुझे, इन लोगों को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। ये सब ड्यूक को बेच सकते हैं, इन लोग के मीट अभी तेल लेने दो। वापस जब आएंगे ना हाउस मरू से निकल के, मेरे पास वो वाला बॉल नहीं है इसके अंदर डालने के लिए। अच्छा चलो सेव कर लेते हैं भाई, चलो सेव हो गया है। मरु कहाँ है यार, दे देना रोज कपाट, हम लोग अपने रास्ते निकल जाएंगे। हाइजनबर्ग इतना स्टाइलिश भिड़ू अपना वेट कर रहा है, क्योंकि सच बताओ तो मैंने जब से हाइजनबर्ग को देखा है ना, तब से मुझे बस उसी का टेंशन है। मदर मिरांडा का भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाइजनबर्ग का मुझे लग रहा है कि वो बहुत टफ होने वाला है। फाइनल बॉस से पता है, ज्यादातर हर गेम में फाइनल बॉस से जो एक पहले वाला बॉस रहता है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। हमेशा मैंने अक्सर देखा है ये चीज कि फाइनल बॉस से एक पहले जो बॉस रहता है ना, वो ज्यादा डेंजरस रहता है। आप लोग बताना कमेंट्स में, आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है? चलो ठीक है, नीचे पहुंचेंगे ऑलमोस्ट। लिफ्ट चलती कहीं और से, खुलती कहीं और से। सामने एक दरवाजा दिख रहा है, लेकिन लॉक है शायद, हाँ लॉक है ना। गंदा सब्सटेंस है यार, ये है क्या, चिपचिपा टाइप का, जेली का धंधा करता है क्या ये मरु? चलो, ओ रोज का पार्ट मिल गया यार, लेके कट ले भाई, मरु भी सामने ही है, लो और कट लो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, स्टोरी चल रही है जहां तक मुझे लगता है। चलो मिल गया, तीन पार्ट्स तो हो गए। ओ छी यार, हरी उल्टी कर रहा है यार ये। देख लिया मुझे। I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer. हंसने लगा यार ये मनुष्य। What's so funny? You're stupid. You talk too much. तेरे तो? It's all over. I plugged the way in. What are you? This is my territory. And I won't let you leave. Shit. इसने तो फंसा दिए यार। Damn freak. मनहूस मरु भागने नहीं देगा, ऐसा बोला मुझे। ओ हो, जल्दी भागना है क्या यहाँ से? ये तो हर जगह से निकले जा रहा है, चोर बुला रहा है मुझे। भाई चोर तो है ही हम लोग, खैर की हर जगह जहां जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ चोरी करते ही रहते हैं। एक रास्ता दिख रहा है मुझे, आगे कुछ जाने का नहीं, नीचे गिर जाएंगे ये कुछ। ओ बुलेट्स, थैंक यू। सामने रास्ता नहीं है पर यहाँ पे कुछ बता रहा है, समफोस। ओ ठीक है, गोली मारी, ओके वायर। चलो नीचे उतरा जाए। मरु क्या सेटिंग करके रखा है यार मरु ने, और यहां से बाहर निकल रहा था मैं, अंदर क्यों जाते जा रहा हूं मैं ये सोच रहा हूं, लेकिन ठीक है यहां से भी हो सकता है कुछ बाहर निकलने का रास्ता मिले यार। लो आदमी लोग है ना, यानी कि सही जा रहे हैं।
आदमी लोग की आवाज आ रही है मुझे। एक काम करते हैं, ये वाली गन सिंपल आदमी लोग पर यूज करनी चाहिए क्या? ना ना ना, सिंपल आदमी मैं बोलता हूँ पाइप बॉम्ब से उड़ाया जाए। ना ना ना, इससे नहीं, पाइप बॉम्ब से उड़ाया जाए। शॉटगन से भी मार सकते हैं, लेकिन चलो पाइप बॉम्ब कब काम आएगा। ओ भाई, मैंने बहुत ही सामने से फेंक दिया यार, कुछ ऐसे इन लोग मनुष्य लोग को पता भी नहीं चला। जब तक इन लोग को एक गोली नहीं मारूंगा तब तक सब मेरे तरफ आएंगे नहीं। चलो तो फिर शॉटगन ही से उड़ाना शुरू करते हैं यार। आ जाओ। ए क्या बैठ के खा रहा है? घास खा रहा। अच्छा, आदमी लोग मार के खा रहा था। और कहां गया? मर गया। अच्छा, अभी भी जिंदा है यार तू, बड़ी जान है यार इसमें। चलो सब उठा लो, क्राफ्ट कर सकते हैं यार जल्दी जल्दी सामान। पाइप बॉम्ब्स एक जो मेरा बर्बाद हुआ था, जल्दी जल्दी क्राफ्ट कर लो। कुछ बुलेट्स भी बना लेते हैं, हेल्थ ले लेते हैं, काम आएगा आगे। फ्लैशबैंग ऐसे मुझे नहीं लगता, ले लिया मैंने, पर भागने के लिए ठीक है। जब गोली नहीं हो और भागना है मुझे तो फ्लैशबैंग ठीक है। सिर्फ आग उन लोग का कुछ देर के लिए ऑफ कर देगा। यहाँ पे क्या है? बोट की। ओ की, लेकिन बोट का है यार, बोट की लेके अचार डालूंगा मैं। अरे ये शील्ड वाला है यार भाई, ये शील्ड वाला है, ये ऐसे नहीं मरेगा। लेकिन अब टाइम है न्यू गन को भाई ट्राई करने का। देखें इसमें कितनी जान है। मर गया, धमाकेदार गन थी यार। नहीं, इसका इसका शील्ड हट गया मुंह से। आजा आजा, सामने आजा यार, ये अभी भी नहीं मरा यार। ओए सामने आना, कहाँ गया? मर, लगता मर गया। ओ भाई साहब, लेकिन देखा कितने गोलियां वेस्ट करवा दिया, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट गन की। यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, आगे और मिल जाएगी। सारा क्रिस्टल स्कल बेचने के काम आएगा। और आदमी लोग की आवाज आ रही है आगे से, तो पता नहीं क्या घास नोच रहा है बैठ के। ओ बावले, अच्छा पीछे भी एक और है। आजा आजा आजा, तेरे को भी नाश्ता पानी करवाता हूँ। मर गया ना। चलो ठीक है, सब उठाते चलो, उठाते चलो, यहाँ से वापस निकला जाए। यहाँ पे बोट की लेने आया, लेकिन बोट तो मुझे अभी तक नजर नहीं आई यार। यहाँ से बाहर निकलना होगा। सारे रास्ते बंद थे, अब मैं सोच रहा हूँ अंदर जाऊँ कि बाहर। लिफ्ट से ऊपर तो जाने का कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं नहीं एक, अरे ये रास्ता खुल गया है। चलो आई थिंक कि बोट यहीं कहीं मिलनी चाहिए। बोट की लिया है तो कुछ ना कुछ उसका काम होगा ही। ये देखो फिर आवाज आ रही है। ओ भाई, इसके साथ मैं कांड करने वाला हूँ, पता है क्या? स्नाइपर निकालो तो, मेरा मन कर रहा है, बहुत देर से यूज नहीं किया है। ये आगे जाके ऐसे भी डराता मुझे। मर गया ना, ठीक है। अरे तू भी आजा आजा आजा, और सामने आओ और सामने। मजा आ गया यार, कभी कभी ऐसे ऐसे यूज करना चाहिए। आई थिंक बोट यहीं पे यूज होना चाहिए, आगे जाने का ऑप्शन नहीं है। बोट ये, ओ ये रही। बोट चलाने तो देंगे नहीं यार, गाड़ी भी बस आगे ही धक्का मारने दिया था। इन लोग का पुराना यार, चलाने का ऑप्शन देना, चलाने का ऑप्शन दे रहे हैं क्या मुझे? वाह भाई यार, चलाने का ऑप्शन मिला बोट, पहली बार पूरा पूरा व्हीकल चला रहा हूं मैं। अच्छा है, चलो मस्त नजारा है यार। ये क्या है? ये क्या था? ड्रैगन था क्या था भाई? क्या क्या जीव पाल के रखे यार मरू ने। यूक ने बोला था पता है कि मरू सिर्फ अकेले नहीं रहता, उसके साथ कोई और भी जीव है पानी के अंदर। पता नहीं कौन सा क्रिएचर है, पर चलो फिलहाल मरू तो मर जाए पहले। सामने ही गुफा है, ये रही। अच्छा खासा दूर तक मुझे खत्म। मैं सोच ही रहा था कि अच्छा खासा दूर तक ट्रैवल करने का ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन इतने ही दूर तक का सफर था अपना। बोट यार दोबारा मिलना प्लीज, मजा आएगा। ये गाड़ी भी पूरी पूरी चलाने देनी चाहिए यार, बस सीधे धक्के मारने का ऑप्शन दिया था मुझे गाड़ी के साथ। अब इसके अंदर क्या है? What the hell? Research post or something? What the doing here? अब ये कौन है? कोई आदमी है शायद। ये कौन है भाई? Get off of me! Stay down! Ethan!
I gotta say, I'm surprised you made it this far. Chris. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. Chris, zinda hai yahan pe. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, वही 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 जीव आ रहा है यार, यहीं आ रहा है. Stay out of our business, Ethan. What business? क्रिस ने बचाया, पता है? क्रिस सही आदमी लग रहा है मुझे. पर ये सही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मर गया क्या मैं? पानी में कुछ करना था क्या? मैंने मिस कर दिया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, स्टोरी चली, स्टोरी चली. मुझे लगा कुछ मिस किया क्या मैंने. अरे ये मरु है यार. Shit, stay back. और गंदा दिख रहा है बिना कपड़ों के. The exit's underwater. You're done. I don't have time for this. Miranda sent you to slow me down. You're pathetic. बड़ा गंदा है यार ये. What are you talking about? Gee, yeah. What the fuck is wrong with you? मरु ने पक्का यार नाश्ते में हरी चटनी खाई थी तभी ऐसी हरी उल्टी कर रहा है. ये क्या है यार? कुछ हो रहा है यहाँ से. भगले भाई, कुछ हो रहा है. अटैक हो रहा है मेरे ऊपर. भाग भाग भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग. हाँ टूट रहा है, टूट रहा है. पीछे मुड़ने का टाइम नहीं है भाई. आप पीछे मुड़ सकते हैं? कोई बहुत ही भयंकर म्यूजिक, यानी कि भागना है. कुछ नहीं है पीछे, माँ कसम. दो सेकंड और रुकता ना, मैं भी पानी के अंदर रहता, उस जीव का नाश्ता बन जाता. अब क्या कर सकता है इथन? कुछ नहीं कर सकते हो भाई. He said the exit's underwater. If I can drain the water. Shit, there's no power. मैं जान नहीं रहता इतनी आसानी से. थोड़ी एग्जिट पानी के नीचे है और पानी को सुखाना होगा, मतलब यहाँ से निकालना होगा, पर पावर ही नहीं है. तो पावर लाना होगा उसके अंदर. अंदर ड्यूक है, पता है, कमरे के अंदर मैंने देखा शायद ड्यूक. और भाई बहुत सही टाइम पे मिल गया यार. भर भर के मैंने सामान ले लिया भाई लोग, अब मजा आएगा. मरु आ जा, सेव भी कर ही लेते हैं. चलो ठीक है, सेव भी हो गया, यहाँ से निकलते हैं. अरे खुल जा. पानी को निकालना है ठीक है, और पानी के अंदर वो मनहूस जीव है, पता नहीं कैसे करेंगे. चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यार क्या करना है. शॉटगन एमओ, बहुत एमओ भर भर के मिल रहा है यार. यानी कि कुछ बहुत ही बड़ा, वो उस जीव से लड़ना है क्या? मुझे यहाँ तक लग रहा है लड़ना ही होगा. चलो ठीक है, इस क्रैंक को घुमाने का ऑप्शन दिया है. इससे हो क्या रहा है? ओ टूट गया, लो. अब क्या? Seriously? नया क्रैंक लाना होगा. ठीक है अंदर चलते हैं यार, और कोई ऑप्शन तो दिख रहा नहीं मुझे. और तब तक भाई आप लोग के पास एक ऑप्शन है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो भाई. नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो. और जिसने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे, सारे एपिसोड्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक एक करके उन लोग को आराम से देख लेना. इसके बाद बड़ा सन्नाटा है यार, इसके बाद ही कुछ गड़बड़ होगी. आगे डेड एंड है. अच्छा ये गिरा के मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला. यहाँ से सीधे सीधे जा सकते हैं. चलो ठीक है, रास्ता बन गया मेरा. ओहो भाई, मतलब ये आते रहेगा बीच बीच में.
ठीक है मैं समझ गया, म्यूजिक जब इस टाइप का होने लगा मतलब भागो, ये डिस्टर्ब करते रहेगा मेरे रास्ते में आके, आ ही रहा है। दो सेकंड रुक जाओ भाई, दो सेकंड रुक जाओ। अगर मैं उसी टाइम पे रास्ते से जाता हूँ ना, यानी कि पानी से, जो छोटा सा ब्रिज है, तो ये खा जाएगा मुझे, या शायद, मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता नहीं, हो सकता है खा जाए। रास्ता बंद है, अरे कहाँ से जाए यार। ओ ये रहा, इसको क्या करना है। अच्छा ये लगता है चलने के लिए जगह बना रहा है। अरे ये तो आगे चला गया यार। ठीक है ये रहा रास्ता, चलो ठीक है, खोलो भाई इसको। ओ भाई कितना गंदा है यार, ये कीड़े लगे हुए, इसे हुआ क्या। अच्छा ठीक है, अरे यार ये डिस्टर्ब करते रहेगा बीच बीच में, बड़ा मनहूस है यार ये। चलो आराम आराम से जा सकते हैं, इजी है यार, इसमें तो अभी तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। अरे ये बंद हो रहा, ओ वहां कसम मैं समझ गया, इजी नहीं है यार ये बंद हो जाएगा। मैग्नम एमो, ये बंद होता है यार ये, एक मिनट मुझे याद करने दो, किससे क्या होता है, इससे ये वाला खुलेगा, अपने को जाना आगे है, रुको इससे क्या होता है, इससे सेकंड वाला खुलेगा और एक और है, इससे लास्ट वाला जहां जाना है अपने को, तो यानी इसको सबसे, इसको पहले दबाते हैं सेकंड थर्ड, उसके बाद दौड़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही पैटर्न होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सही समझ रहा हूँ, नहीं तो पानी में जाऊँगा आई थिंक। प्लीज सही होना, 1 2 अब दौड़ो, अब और कोई ऑप्शन नहीं, जान उठा के भागो भाई। हाँ ठीक है सही था मैं, अरे मनहूस यार ये मछली है यार, इतनी बड़ी मछली, ये मछली नहीं है यार ये मगरमच्छ है, अरे बाप रे बाप, ये अरे ओ भाई ये मछली ही है, श्योर नहीं है, धूम देख के तो मछली जैसी लग रही, पता नहीं ये क्या है। आई एम द बेस्ट बोलता है, बताओ पक्का मरू उसके अंदर है, जैसे लेडी दिमित्रीस नहीं थी उस मॉन्स्टर के अंदर, वैसी लग रहा है मुझे, क्योंकि आई एम द बेस्ट जैसे बोलते हुए ना। ओ भाई मैं समझ गया, रुक जाओ, इसको इसके मामा के पास पहुंचाता हूँ। अच्छा मामा तो अभी जिंदा है, यानी मदर मिरांडा कोका कोला वो तो जिंदा है यार अभी, कोई बात नहीं, इसको मारने के बाद इसकी मामा को भी पहुंचा दूंगा जल्दी ही वहां पे। यहाँ से जाने का रास्ता, ओ ये रहा, ये देखो मछली है यार, मछली, मैंने इसका मुंह देखा, गंदी सी बड़ी सी मछली है। दौड़ते हुए पार कर भाई इसको, स्नाइपर एमो, शॉटगन एमो, जबकि आदमी एक भी नहीं आ रहा है, मतलब वो जो लाइकन से एक भी नहीं आ रहे हैं, यानी कि पक्का इससे लड़ना है, इसीलिए इतना भर भर के गोली मिल रही है मुझे। सब कुछ लॉक एंड लोडेड है ना, कभी भी लड़ना पड़ सकता है भाई। चलो ठीक है अब जाने का रास्ता बन गया। ओहो भाई साहब ये खराब करने वाला था, म्यूजिक कितना टेंस दिया है ताकि टेंशन में आदमी सोच नहीं पाया, ऐसे भी मैं नहीं सोच पा रहा हूं। कहां जाना है, जेली को फाड़ के आगे रास्ता बनेगा क्या, उड़ा के देखते हैं। अरे उड़ना, ओ रास्ता बन गया। अब यहां से कहां, यहां तो कोई, ये दीवार के अंदर जा सकते हैं, नहीं ये सीढ़ी पे जाना है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं ना, नहीं कुछ नहीं छोड़ा है, सीढ़ी पकड़ लो भाई। यार ये परेशान करते रहेगा कंटिन्यूअसली जब तक मैं यहाँ पे पावर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ करते रहेगा। क्या निकला, ओ भाई साहब इतनी बड़ी बोट है क्या, ये बोट है एक नंबर, यहाँ से बाहर निकलना है, बस बस बस, मरा मैं, मरा मरा। हाँ यहाँ से भी जगह नहीं जाने का, अब एक ही रास्ता आगे ही से जाना है, हट है ना यार। हाँ दोबारा यहाँ कभी नहीं आना है यार, कुछ हो जाए। अच्छा स्क्रीन में भी सीढ़ी नीचे क्यों नहीं है, अच्छा ये लॉक को तोड़ना है भाई यार, ये मतलब ये क्या है, मतलब ये कंटिन्यूअसली मारे आ रहा है और स्क्रीन भी हिल रहा है उसकी वजह से, पता है सर दर्द हो रहा है मेरा देख के।
जानबूझ के कर रहा है ऐसा ताकि मैं गड़बड़ी करूं। लेकिन मनुज तेरे को छोड़, ओ ये देख लो इतना ऊपर तक जंप कर रहा है यार, ये इसे कैसे लड़ूंगा मैं, इतना उछल उछल के जंप कर रहा है यार ये। इसने क्या मुझे क्रेटोस समझ के रखा है क्या यार? क्रेटोस इस टाइप के मॉन्स्टर लुक से लड़ता है, ईथन बेचारा कैसे लड़ेगा? ये देख लो मार मार के हिलाया जा रहा है यार, पूरे स्क्रीन हिल रहा है ये। हाँ देख लो मनहूस, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, रुक जा तू, डेड एंड, आगे नहीं जा सकते हैं, कुछ है रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं भाई आगे जाने का, वापस चढ़ना होगा यहाँ से, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, बंद है ये सीढ़ी। अरे मनहूस तू 2 सेकंड के लिए चैन से नहीं रह सकता यार, सोचने देना, सोचने दे प्लीज मुझे, इसको मारूंगा ना मैं जरूर, खुशी से सोऊंगा आज रात। ओ ब्रिज का, ओ यही तो चाहिए था यार, चलो ये ठीक है, ये मिल गया है। अच्छा डोर तोड़ दिया मनहूस ने, दबा दिया है डोर को, यहां से नहीं निकल सकते हैं, सीढ़ी रही लेकिन ऐसे नहीं चढ़ सकते यार, कुछ तो कर ही नहीं सकते, फिर यहाँ आए क्यों है, क्या किया जाए? आई थिंक इसके ऊपर लगा के घूम सकते हैं क्या? ओ दिया है, ऑप्शन दिया है, क्रैंक लगाओ तो यहाँ पे, पर वापस निकाल लेना भाई, आगे भी काम है मुझे। वापस निकाला, हाँ ठीक है वापस ले लिया है, सीढ़ी खुली, हाँ चलो ठीक है अब जा सकते हैं। पकड़ना भाई जल्दी पकड़ना, मरने का वेट कर रहा है क्या? परेशान कर दिया यार इसने बहुत ही ज्यादा। चलो ठीक है, वायर हीरो स्टाइल में जा रहा है भाई साहब, नीचे ही है मनुष, ओ बचा, ठीक है वापस उसी इसके पास आ गए, और चलो यहाँ पे क्रैंक लगाते हैं, इसको घुमाओ भाई, आई थिंक अब पावर आ जाना चाहिए। हाँ पावर आ गया, वापस वहीं जाना होगा ड्यूक के पास, और वहीं से जाके फिर अब ड्रेन कर सकते हैं पानी को, क्योंकि एग्जिट नीचे ही से है। रोज को तो हमने ले ही लिया है तो वो काम तो इम्पोर्टेंट नहीं, या बिना मॉन्स्टर को भी मारे जा सकते हैं अगर ये लोग जाने देंगे तो, जहाँ तक मुझे लगता है इतने अच्छे तो है नहीं ये लोग कि इतनी आसानी से जाने देंगे मुझे। चलो ठीक है, कुछ गोलियां वोलियां तो नहीं खरीद, नहीं यार बहुत ले लिया, किसी से लड़ा भी नहीं मैंने, ये क्या है एक पजल और। चलो ठीक है, ये कुछ पेपर में डिजाइन बना हुआ है, लेकिन इससे इसका क्या लेना देना? अच्छा मैं समझ गया, इसको उल्टा करना होगा, हाँ ठीक है मैं समझ गया, इसको उल्टा करके डिजाइन समझ, इसमें जो जो बने हुए बटन के कलर वही इसमें भी करना है। ठीक है रुक जाओ, इसको स्ट्रेट करने दो ताकि दोनों, हाँ भाई ठीक है, राइट साइड से जो फर्स्ट लाइन है वो सही है, सेकंड लाइन में ऊपर में सबसे ऊपर में ब्लू है, नीचे में वाइट है, थर्ड लाइन में ऊपर में ब्लू है, सेकंड वाला सही है और नीचे में ऑरेंज है। चलो ठीक है मैं समझ गया इसको भाई, कंप्लीट किया जाए, फर्स्ट लाइन ठीक थी तो उसको वैसे ही छोड़ दिया है, सेकंड लाइन ठीक हो गई, थर्ड लाइन में गड़बड़ी की थी लेकिन अब ठीक है, ऑरेंज हो गया, पावर आ चुका है इसमें, खींच दे भाई लीवर खींच यार, यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है इतना भगाया ना, जैसे डॉल से भी लड़ा थोड़ी था मैं, डॉल को तो बस स्टोरी में मार दिया था इथन ने, तो मुझे लगता है ये भी कुछ ऐसा ही होगा, पानी निकाल दूंगा तो ये मर जाएगा, मरा क्या नहीं मरा, हाँ मर गया लगता है, मर गया, पानी के बिना मछली कैसे रहेगी? नहीं यार ये तो घूम रहा ऊपर, शायद मैंने सही देखा या मुझे इमेजिनेशन ऐसा हो रहा है, नहीं मैंने देखा यार कुछ तो देखा था ऊपर में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आगे जाते हैं, म्यूजिक बहुत ही खराब निकल रही है, इसके अंदर क्या है, नोट्स कुछ काम का, अच्छा ठीक है चुपचाप से आगे बढ़ते हैं भाई, म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मुझे लग रहा है कि कुछ मार होने वाला है यहाँ पे। अच्छा गोलियां भी भर भर के, यहाँ डेफिनेटली मार होने वाला है, लिख के दे देता हूं मैं,
कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, मुझे पता नहीं क्या लेकिन कुछ होने वाला है, इसलिए मैं पाइप बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ। जैसे ही मेरे साथ कुछ वो आ चुका है भाई, ये पानी के बिना। अरे भाई ये क्या किसे फूंक रहा था, रुक जा बताता हूँ तेरे को, ये ले एक और ले, मजा आया, ये भी ले भाई, धुआं धुआं कर दिया, गैंग्स ऑफ वसेपुर बना दिया आपके भाई ने, ठीक है तो मर गया। अरे मिस कर दिया यार मैंने, ये आ रहा है भर भर की गोलियां दी, ये कम से कम अच्छी बात है। अच्छा इसको फोड़ सकते हैं, इसको फोड़ सकते हैं, पर उस गधे को लाना होगा यहाँ पे। कहाँ गया ये रहा, आजा सामने आ जल्दी आ, मछली बनेगा। अरे यार इसने कवर कर दिया यार उस एक्सप्लोसिव को, अच्छा कोई बात नहीं, एक और यहाँ भी मुझे दिख रहा है, इस बार इसके कवर करने से पहले मैं उड़ा दूंगा। अरे मनहूस जानबूझ के एक्सप्लोसिव को कवर कर दे रहा है यार, कहाँ गया ये, गया कहाँ ये रहा, मजा आया। हाँ ये एक्सपोज हो चुका है, इसको मार सकते हैं। हाँ भागो, ये वाला एक्सप्लोसिव भी इसके ऊपर फोड़ देना। कहाँ गया ये, क्या कर रहा है, कहाँ है भाई ये, ऊपर चढ़ गया, क्या कर रहा है ऊपर चढ़ के। I've been saving this one. क्या बचा के रखा भाई इसने। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये उल्टी कर रहा है क्या, एसिड उल्टी। अरे माँ कसम यार, इससे बचने के लिए शेल्टर में जाना चाहिए था। चला जा भाई, मरेगा। मनहूस कहीं का एसिड की उल्टी कर रहा था यार ये, इसको उतारना होगा ऊपर से। कहाँ गया वो, गया कहाँ, ऊपर ही बैठ गया क्या जाके। शेल्टर के अंदर चले आना चाहिए था यार मुझे, पूरी मेरी हेल्थ ले गया। आ जाओ बाबले, आ जा मेरे पीछे पीछे आ। यहाँ पे आ जाना किसी तरह, इसके मुंह पे फोड़ूंगा। हाँ थोड़ा सा नजदीक का पागल। अरे ये इसने इतना पेट क्यों फुला लिया भाई, अपना डिफेंस बना लिया क्या इसने। कुछ नहीं हुआ भाई इसको, कुछ नहीं हुआ, इसका डिफेंस था ये। ये पक्का थूकने वाला है मेरे ऊपर फिर से यार, इससे अच्छी तो अपनी शैतानी गुड़िया थी यार। माइंस रख के भागते हैं चुपचाप से और उम्मीद करते हैं कि ये मनुष्य इस रास्ते पे आए। फटने की आवाज आई तो समझ लेना कि सही लगाया था। हाँ फटा आजा आगे इधर आ। माइंस फटी मनुष्य के ऊपर, हाँ एक और फटी, ये हुई ना बात, गाली भी दे रहा है क्या फायदा भाई। एक और एक्सप्लोसिव इसके मुंह पे फोड़ दूं ना मैं। अरे ओ भाई उल्टी आदमी है यार ये, उल्टी ओपी कर लो भाई चैट में, आ जाओ फटा, मरना यार मरना। अब समझ में आया मुझे इतनी इतनी गोलियां क्यों दी इन लोगों ने। माइंस बिछा के जा सकते हैं यहाँ पे, बस उम्मीद करते मनुष्य यहाँ से आ जाए। गोली है क्या, तीन, एक दो है काम चल जाएगा ये। अरे ये फिर उल्टी करने लगा, ओ भाई भागो यहाँ से भागो, शेल्टर कहाँ है माँ कसम, गलत टाइम पे शेल्टर छूट गया यार, मरूंगा मैं। जल्दी हेल्थ ले लो यार, गन लेने के चक्कर में ना धत तेरी, मैंने देखा ही नहीं ये मनुष्य ऊपर जा रहा है, इस बार बच गया ना, इसको छोड़ूंगा नहीं। तू नीचे आ तेरे को बताता हूँ, शेल्टर के नीचे जाना चाहिए था, दो बार गलती कर दी सेम यार। मनुष्य ये ले, एमओ चेंज कर लेना चाहिए था, लेट कर दिया। आजा मुंह पे फोड़, मर जा, मरा मर गया, नहीं मरा नहीं यार ये था तेरी यार, मरा नहीं था, पता नहीं ऐसा चमका ना मुझे लगा मर गया। एक और बार मार सकता था इसको मैं, सामने आता, चलो माइंस भी फट गए, मरना होए, अरे मर जा यार, मैं मरने वाला हूँ ऐसे तो धीरे धीरे करके।
फिर एसिड की उल्टी करेगा। नहीं, इस बार तो मैं शेल्टर में घुस जाऊंगा। अच्छा, मरने ही वाला है। बहुत दर्द हो रहा, तेरा दर्द मैं कम कर देता हूँ मार के तुझे। रीलोड कर लेना चाहिए। एक या दो गोली में इसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन दिखे तो मनुष्य। दो शॉट गन की गोली बची भाई और खत्म। फाइनली आई थिंक, पता नहीं। हाँ, मर गया मर गया। डैम यू बोल दिया, नहीं मर गया। लो, धमाका हो गया। इसी के साथ हाउस मरु भी खत्म हो गया। चलो ठीक है, क्रिस्टल मरु। मरते टाइम भी उतना ही घिनौना था, सही बात है। चलो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, लेकिन निकलने से पहले जो जो चीज़ मैंने बुलेट्स यहाँ पे बहुत सारी छोड़ दी है भाई बॉक्सेस के अंदर, वो सब ले लेते हैं। मुझे लगा था मैं मर जाऊँगा। दो दो बार एसिड की जो उल्टी झेल ली ना, पूरा स्किन जला दिया यार इसने। हाथ देख रहे हो कितना मेरा चिकना शाइन करता था, अभी देख रहे हो हाथ जला दिया यार इसने। बताओ यार, हाथ जला दे रहे हैं, कोई हाथ काट दे रहे हैं, उंगली काट दे रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कटेगा भाई आगे जाके। अरे उठना यार, शॉटगन की वो मिल गई है। अब हाइजेनबर्ग कॉइसॉब, हाइजेनबर्ग इंतजार कर रहा है। ठीक है, हाइजेनबर्ग के पास चलते हैं। शायद मदर मिरांडा तो नहीं आनी चाहिए, वो लीडर लग रही थी। मुझे लगता हाइजेनबर्ग ही होगा। हाइजेनबर्ग मैं आ रहा हूँ। यहाँ से पहले निकलना होगा भाई, मतलब रास्ते रास्ते में इतनी एमो मिल रही है, यानी कि पक्का आगे ही आने वाला है। टीवी, ये नोट्स है मरु के। ठीक है, मरु बेचारा बहुत मानता था मदर मिरांडा को, चाहता था कि वो उनके साथ रहे, लेकिन रोज को अपनी बेटी बनाना चाह रही है मदर मिरांडा, कुछ सेरेमनी करने वाली है। ठीक है, सब नो 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 लिख, इतना सारा नो नो लिख के बैठा हुआ है। ये क्या है? कंबाइंड विद द फोर विंग्ड की सिक्स्थ टीवी। You're better off than I thought. Who's that? Heisenberg. Oh, come on. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. वापस ग्रेवयार्ड आने बोला है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अपना साथ देना चाह रहा है क्या? अच्छा, ये लड़ना नहीं पड़ेगा यार। चलो ठीक है, यहाँ पे तो और कुछ दिख रहा नहीं है मुझे। यहाँ से तो आए, ये रहा दरवाजा। सिक्स विंग की लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, खुल जा भाई। फैक्ट्री के अंदर तो नहीं ले जा रहे हम लोग। चलो यहाँ लिफ्ट से ऊपर चलते हैं, जहाँ से आए थे वहीं से निकलते हैं। अच्छा, ये क्रैंक मिला, इस क्रैंक को यूज करेंगे। याद है वहां पे एक डोर था जो बंद था, मुझे लगता है शायद उसके अंदर एक और गन शायद मिल सकती है, कुछ तो इम्पोर्टेंट थिंग होगा, इसलिए अभी उसको हाइजेनबर्ग में जाने से पहले वहाँ पे भी चलेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट गन मिलेगी भाई तो ले लेंगे यार, कोई ठीक नहीं। कुछ भी अच्छी गन मिल सकती है वहाँ पे। लास्ट टाइम मैं ये शॉर्ट गन भूल गया था, तो आप लोग ने कमेंट करके बताया, तो थैंक यू यार, आप लोग कमेंट करके मुझे याद दिला देते हो मैं अगर कुछ मिस करता हूँ तो। चलो ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बता दें कि आज वाली जो वीडियो है इतनी ही लंबी रखूं मैं वीडियो, या फिर इससे छोटी, या फिर इससे लंबी, ये भी कमेंट करके बताना मुझे। चलो सेव कर लेते हैं भाई फटाफट से, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा इन लोगों को बोला था मैंने छोड़ दिया है। मौसम कितना चेंज हो गया भाई, धूप निकल गई यार यहाँ पे, फर्स्ट टाइम मतलब अंधेरा छाया रहता था। ठीक है क्रैंक को यूज किया जाए, पक्का इस डोर के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट है। हम लोग को तो ऐसे ग्रेवयार्ड जाना है जहाँ से शुरू किया था, बार बार घूम के वहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस डोर के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। इन लोग को मार देते हैं यार, इन लोग का मीट बेचने काम आएगा ड्यूक के पास। मत जाओ ए, एक और कहाँ गया, खत्म, खुल दरवाजा भाई। अगर यहाँ पे कुछ अच्छी गन होगी तो यहाँ पे आदमी लोग भी होंगे, वो लाइकन्स और पता नहीं क्या क्या। सन्नाटा, ओहो, थोड़ा देर के सन्नाटा था। अच्छा वो चमगादड़ लोग हैं क्या, उड़ते हुए, हाँ उड़ते हुए लग रहे हैं मुझे शायद, हाँ हाँ दिख गए मुझे, दिख गए। ये अपना जा रहे हैं चुपचाप से या इधर ही आने वाले हैं, आई थिंक मेरी तरफ आ सकते हैं लेकिन मैं छेड़ूंगा नहीं। इधर आएंगे तभी, हाँ मनुष तू इधर क्यों आया रे, मर जा। अच्छा इसके ऊपर मुझे गोली बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिंपल हैंडगन से भी मर जाता है, इतनी गोली बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं चलो। अरे तू कहाँ से सोया रहता है यार ज़मीन के अंदर, अरे तू कहाँ से आया यार, ये लोग धरती के अंदर घुसे रहते हैं। चलो ठीक है यहाँ से निकला जाए जितनी जल्दी हो सके, गोलियाँ बना लेते, कुछ और भी आदमी लोग की आवाज़ आ रहे हैं मुझे। फर्स्ट एड बना लो, माइंस या पाइप बॉम्ब, माइंस बना लो, माइंस बहुत काम आई थी यार लास्ट टाइम भी। ये देखो एक सोया हुआ यहाँ टकला, मुझे दिख गया था। एक्सपर्ट हो चुका है यार इथन इन लोग को मारने में। इन लोगों को तो हैंड गन से मारूंगा यार, इतनी इतनी हैंड गन की गोली, क्या करना है, चार डालना है, तू हैंड गन से मरेगा, चल मर जा खड़ा हुआ चिमगादड़। कहाँ गया, ओए तू यहाँ है, मरा, चलो मर गया ये भी। कोई गन तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, लेकिन आगे जाने का रास्ता है, ये घर दिख रहा है, इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ आइटम होगा भाई, बंद है ये दूसरे साइड से। ठीक है घूम के जाते हैं, और वहाँ पे अंदर से आदमी की आवाज़ आ रही है मुझे, ये रामन हूस, पता नहीं क्या करते रहता है बैठ के यार ये लोग। हाँ मिल गया, खजाना मिल गया है। ठीक है ये नोट्स, ठीक है इसके अंदर कुछ छुपा के रखा है इसने, खोलने दो तो भाई। नई गन, मैं जान ही रहा था, बुल्स बेन, अच्छा जगह नहीं मेरे इन्वेंटोरी में, चलो ठीक है अब जगह बना ली भाई मैंने। ये उस भेड़िए को मारने के लिए क्या, पर ये गन कुछ ज्यादा छोटी नहीं है, छह ही गोली है, इससे क्या मरेगा भेड़िया, पर नाम तो दिया वुल्स बेन। और फिर से उस भेड़िए की आवाज आ रही है मुझे, हाँ डेफिनेटली आ रही है, ये दिख गया। चलो ठीक है अब इसको ट्राई कर लेते हैं, एक गोली दो गोली, मर गया। ओ भाई यार ये भेड़िए को मारने के लिए बनाई गई थी ये वाली गन, खतरनाक गन है यार, सामने से मारता तो शायद एक गोली में भी मर सकता था। चलो वेल से तो सामान निकाल सकते, कुछ ना कुछ खजाना गड़ा होगा, निकाला जाए। चलो अब यहाँ से कल्टी होने का भाई, अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ होगा, ये बॉल वहां लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ रहता है सामान, उसका पजल को सॉल्व करना रहता है और कुछ नहीं, छोटा सा पजल है। लेकिन फिलहाल यहाँ से कटा जाए भाई, अब यहाँ मुझे मौत के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे भी अपना टोपी वाला भिड़ू यानी कि हाइजनबर्ग इंतजार कर रहा है कैप लगा के, पता नहीं कहाँ पे होगा यार। चलो ठीक है यहाँ से निकलते हैं, उसने बोला कि फ्लास्क अगर ले लिया मैं
तो फिर मैं पास हो जाऊंगा उसके टेस्ट में। पता नहीं टेस्ट ले रहा है इथन का यार, अभी तक पता नहीं चला कि इथन बहुत ही खतरनाक आदमी है। यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेकिन उसको अभी मैं बचा के रखूंगा आगे यूज करने के लिए। इतना अच्छा मौसम लग रहा है यार, पूरा मौसम चेंज हो गया है। दिस वे यहाँ ओ हाइजनबर्ग ने लगाया क्या ये एरो, खतरनाक यार। मैंने बोला ना यार, कुछ ही बोलो कितना भी बड़ा हो वो विलन हो लेकिन हाइजनबर्ग का स्टाइल खतरनाक है यार। हाइजनबर्ग स्टाइल ओपी कर लो भाई चैट में। ये देखो दिस वे पापा, जानबूझ के चिढ़ाने के लिए किया है। यहीं से अपने को दूसरी गन मिली थी। ओ यहाँ पे एक और सामान मैंने छोड़ दिया था, एक्सप्लोसिव। ठीक है इसमें लोड कर लेते हैं भाई, लोडेड है पहले से। ये तो हाइजनबर्ग के मुंह पे फोड़ूंगा अगर साथ नहीं दिया मेरा तो। बताओ यार स्टाइल देख रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, डायरेक्शन दे रहा है मुझे कि किधर जाना है उसका फ्लास्क कलेक्ट करने के लिए। ये देखो रोज इज वेटिंग फॉर यू। अरे भाई भेड़ है कि ये क्या है, अटैक करने आ रहा था मेरे ऊपर। दूसरा वाला ये रहा, हाँ ये देखो ये मारता है भाई आके, बुरी तरह से मारता है। लास्ट टाइम जब हाउस बेनिवेंटो में मैं लेने जा रहा था ना गन, वो आप लोगों ने नहीं देखा था, वो मैंने वीडियो में नहीं डाला था, तो उस टाइम यही भेड़ था, इतना मारा था भाई, मुझे लगा कुछ नहीं करेगा। द शो मस्ट गो ऑन, देख रहे हो स्टाइल मनुष का। ये देखो इसके अंदर सामान होगा कुछ ना कुछ। चलो ठीक है ये रहा, यहां से अगर फ्लास्क कलेक्ट कर लिया तो हाइजनबर्ग, फिर हाइजनबर्ग से शायद मिलेंगे या पता नहीं क्या होगा। तो हाइजनबर्ग जंग का ऐलान कर देना चाहिए भाई, पूरी एक राउंड मैगजीन चला के हाइजनबर्ग मैं आ रहा हूं अगर यहां पे हाइजनबर्ग है तो। तो चलो भाई आज की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, जंग का ऐलान कर दिया है। मैंने बोला था कि हर वीडियो में एक बॉस को हम लोग मारेंगे, तो आज की वीडियो में भी हाउस मरू खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग भाई हाइजनबर्ग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल चलो, ओ भाई साहब यहाँ का पोस्टर चेंज हो गया है, वाह यार बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलो भाई इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, बाय बाय।